अजाक्स की मांग, पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति के नए नियम को लागू किए जाने, बैकलॉग के पदों पर भर्ती की जाए। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए मध्य प्रदेश की खास खबर। जी हाँ, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने एक बार फिर प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। शिवराज सरकार के सामने पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति के नए नियम को लागू किए जाने, बैकलॉग के पदों पर भर्ती, पुरानी पेंशन योजना, चिकित्सा शिक्षा में 200 पोस्ट रोस्टर समेत कई मांगे रखी। इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन और जिले स्तर पर ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने जिला इकाइयों ने शनिवार रविवार को श्योपुर, रायसेन और जबलपुर समेत कई जिलों में धरना दिया और अपनी मांगों का ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा। अजाक्स संघ का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 12 जून 2016 में महासम्मेलन में यह घोषणा की गई थी कि पदोन्नति में आरक्षण हर हाल में लागू होकर रहेगा। अगर सरकार के इस मामले में कोई नया नियम बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वह भी बनाए जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके अब तक इस पर फैसला नहीं हो पाया। अजाक्स संघ की मांग है कि मध्य प्रदेश के स्पेशल काउंसिल मनोज गोरकेला द्वारा बनाए गए पदोन्नति के नियमों को जल्द प्रदेश में लागू किया जाए और विभिन्न विभागों में खाली आरक्षित वर्ग के पदों को आउटसोर्सिंग की प्रथा बंद कर बैकलॉग पद पर भर्ती की जाए। अगर इसे अपरिहार्य परिस्थिति में लागू किया जाता है तो इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। खुद मंत्री ने आउटसोर्सिंग में आरक्षण प्रक्रिया को लागू किए जाने के मुद्दे पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति जताई थी। संघ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के फैसले के मुताबिक 28 जनवरी 2022 के बिंदु क्रमांक 16/2 में यह उल्लेखित किया गया है कि प्रतिनिधित्व का डाटा एक यूनिट केडर होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूर्व से केडर क्लोज एवं विभागवार डाटा कलेक्ट किया गया है, जिसे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में पेश किया, जिसके आधार पर नवीन केडर पदोन्नति का नियम बनाकर लागू किया जाना है। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।